नमस्ते एंड वेलकम एवरीवन टू हीलिंग एम एंड इंडिया। आप सभी का हीलिंग एम एंड इंडिया की आज की सत्र में स्वागत है। आज 13 अगस्त 2023 की मीटिंग में हम आज कैनबिस के बारे में आपको बताएंगे। वी आर गोइंग टू स्पीक अबाउट कैनबिस, मेडिसिनल कैनबिस एंड द बेनिफिट्स ऑफ मेडिसिनल कैनबिस इन हीलिंग इन न्यूरो डिजेनरेटिव एंड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर एंड अदर कंडीशन। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग टुडे। अगर आपको हीलिंग एम एंड डी इंडिया से जुड़ना है तो आप ये व्हाट्सएप नंबर पे या ईमेल आईडी पे अपना डिटेल शेयर कर सकते हो। काइंडली गो थ्रू द डिस्क्लेमर, नेवर डिसरिगार्ड एनी प्रोफेशनल मेडिकल एडवाइस और डिले सीकिंग मेडिकल ट्रीटमेंट बिकॉज ऑफ समथिंग यू हैव रेड ऑन और एक्सेस थ्रू दिस वेबसाइट प्रेजेंटेशन यूट्यूब चैनल वीडियोस कमेंट्स प्रेजेंटर्स एंड द इनवाइटेड गेस्ट। हिंदी में अस्पीकरण है, आप इसको पॉज करके आप पढ़ सकते हो। नो एनिमल्स वर हार्म्ड इन द मेकिंग ऑफ दिस वीडियो, नो एलियंस एज वेल एज ह्यूमंस वर हार्म्ड इन द मेकिंग ऑफ दिस वीडियो। No plants, trees, forests, rivers, lakes, oceans, planets were also harmed. So basically, what is healing MND India? Healing MND India, we are into improving and enhancing the quality of life of the pets and the cats, patients as well as caregivers. We are researching on treatments and solutions. We are also researching on alternative therapies. We are offering cost-effective, pocket-friendly solutions so people can manage their life and their finances. We are inviting guest speakers and specialists. We are also liaising with the government authorities for special discounts and benefits for our community. We are also following holistic healing and we are also trying new and alternate therapies. Finally, you all know about my happiotherapy. आपको पता होगा एमएनडी का मतलब क्या होता है, मोटर न्यूरॉन डिजीज, करेक्ट? पर हमारे लिए एमएनडी का मतलब होता है मैं नहीं डरता, माइंड नेवर डाइज एंड फाइनली इट इज म्यूजिक एंड डांस। तो एमएनडी से डरना नहीं है, एमएनडी को लड़के हराना है। तो दैट इज एमएनडी। थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग टू मी। आज ही मैंने दो नए वॉरियर्स को पॉजिटिविटी दिया, एक पंजाब से है और एक दूसरे वॉरियर शोलापुर से है। थैंक यू। को 2 सेकंड दीजिए, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ। तो फुल स्क्रीन में अवेलेबल दिख रहा है ना? फुल हाँ स्क्रीन, हाँ फुल स्क्रीन है। ओके। सुकृत, कुड यू जस्ट स्टार्ट? या सर, एक्चुअली वांटेड टू इंट्रोड्यूस अस फर्स्ट, बट नो प्रॉब्लम, आई विल स्टार्ट। सर मैं स्टार्ट करूं? लेट्स ऑल इंट्रोड्यूस को। या फर्स्ट आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस, हमारे साथ सुकृत गोयल जी है, जो बाय अनफॉर्चुनेटली हमारे ओल्ड नेबर निकले।
हम नेपाल या उसमें रहते थे और वो पोता रहा उसमें रहते थे। करेक्ट करेक्ट लकीली मुंबई बहुत छोटी जगह है और हम तो हाँ बाजू बाजू में ही रह रहे थे। एंड वी ऑल्सो हैव आरजूपुरी फ्रॉम गैनाजो इंडिया, वेलकम ऑल ऑफ यू एंड नाउ यू द स्टेज इज योर, यू कैन टेक इट ओवर। थैंक यू। हाय, सो आई जस्ट इंट्रोड्यूस थोड़ा ब्रीफ में मेरे बारे में, बाकी टेक्निकल तो आजू बोलेगी. सो बेसिकली कंपनी वॉज फाउंडेड बाय मी 4 साल पहले, एंड आरजू इज बेसिकली द टेक्निकल पर्सन जो बायोमेडिकल कर रही है, एंड करेंटली शी इज लुकिंग फॉर द PhD फ्रॉम IIT. नाउ कमिंग टू माई स्टोरी, एक्चुअली मैंने शुरू क्यों किया, जैसे आप लोगों को MND की बेसिकली इशू थी, देर इज समथिंग नोन एज AVM. तो अप्रोक्सीमेटली 8 या 9 साल पहले मुझे हेमरेज हो गया था, जिसकी वजह से मेरी हाफ साइड पूरी पैरालाइज हो गई थी, जिसके अंदर मेरे जितने भी स्किल्स हैं, मोटर स्किल्स हो गए, न्यूरॉन स्किल्स हो गए, आपके बात करने की क्षमता हो गई, हाथ उठाने की, पैर से चलने की, या यहाँ तक कि खाने की, बोलने की, आंखों को ब्लिंक करने की सारी क्षमता मेरी खत्म हो गई थी, जिसके लिए मैंने काफी हद तक ट्रीटमेंट लिया था, फिजियोथेरेपी किया था. उस टाइम था बेसिकली, उस टाइम कैनबिस इस फॉर्म में अवेलेबल नहीं था, बट हाँ, क्योंकि मैं दिल्ली से था, आपको भांग के पत्ते मिलते थे उस टाइम, क्योंकि मेरी एक और फैक्ट्री है हिमाचल में और नैनीताल में, तो वहां पे हमारे पास भांग के पत्ते मिलते थे. उसी चीज को लेकर, उसका पेस्ट बना के, उसको क्रश करके, उस टाइम खाते नहीं थे, बट हाँ, उसके मसाज हमने बहुत किए थे, मैंने अलोंग विद फिजियोथेरेपी किया था मैंने, तब जाकर मुझे एक्चुअली काफी बेनिफिट्स मिले. और आज मतलब मैं 6 या 8 महीने कम से कम बेड रेस्ट पे था, जब मैं चल नहीं सकता था, व्हील चेयर पे था, काफी एक लंबी जर्नी थी मेरी भी, पर 5 6 महीने बाद ऐसा हुआ कि आज मैं फुल फंक्शनल प्रॉपर चल सकता हूँ, जिम कर रहा हूँ, एंड अब मतलब मैं सामने सामने आप लोगों के बात कर पा रहा हूँ, वरना वो टाइम ऐसा था कि मतलब बात करने के लिए मुझे ये भी नहीं पता था बात कैसे करनी है, एवरीथिंग वॉज लाइक हेजी एंड गॉन. एंड उस टाइम फिर बाद में 2015 के आसपास जब मेडिकल कैनबिस लीगल हुआ, तब मैंने बोला वाई नॉट स्टार्ट मेडिकल कैनबिस, तब मैंने मेडिकल कैनबिस शुरू किया था. अब शुरू करने के 3 या 4 साल तक तो जितने भी कंपनीज है, हो सकता है पहले भी कभी कंपनीज आपके पास आई हो, तो मैं सभी के लिए बना रहा था, जितने भी लोग हैं मार्केट में 3 4 साल से, तो हम लोग सबके लिए बना रहे हैं, मार्केट में 70% के हम बनाते हैं, क्योंकि करेंटली 3 ही लोग हैं जिनको मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस मिले हुए हैं, उसमें से एक मेरी कंपनी है, फिर एक डॉक्टर है जैसे डॉक्टर ताहिर है, हम डॉक्टर वैभव है, तो उन डॉक्टरों ने हमको बोला कि अभी जो करेंटली दवाई है मार्केट में, क्योंकि हम उनको देते हैं और फिर वो आगे बेचते हैं, काफी महंगी है मार्केट में, वो एक चीज को हमने पकड़ा कि हाँ, इसको एक अवेलेबिलिटी होनी जरूरी है फॉर ऑल द पीपल इन द मार्केट, तब फिर एज अ मैन्युफैक्चरर हम डायरेक्टली मार्केट में है, मैन्युफैक्चरर टू द कस्टमर, जिसके वजह से एक रीजनेबल रेट में लोगों को दवाइयाँ पहुंच पाए और ज्यादा हद तक लोग उसको यूज कर पाए, क्योंकि हम जब लेकर आए उसका पूरा स्लैश किया प्राइसेस, अभी तक वरना 8,000 10,000 लोग उसको अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे थे, तो एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बनाना उसको बहुत मुश्किल था. तो उस टाइम फिर मैंने अपना कंपनी शुरू किया, कैनाजो इंडिया, एंड या दैट इज हाउ माय जर्नी बिगैन. नाउ ओवर टू यू आरजू. यस, थैंक यू सुकृत। गुड इवनिंग एवरीवन। मैं ट्राई करूंगी जितना लेमैन लैंग्वेज में हो सके उतना मैं आप लोगों को साइंस समझा पाऊँ। MND के पीछे से जैसे सर ने बोला, मैं डरता नहीं। मोटर न्यूरॉन डिजीज। अब जब हम मोटर न्यूरॉन डिजीज की बात करते हैं तो ये बेसिकली इज अ ग्रुप ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जहाँ पे प्राइमरी आपका जो वॉलेंट्री मसल मूवमेंट होता है वो अफेक्ट होता है। जब इसकी हम मेन पैथोलॉजी के पीछे कॉज क्या है, जब हम इसके बारे में सोचते हैं तो इट्स बेसिकली जो हमारा न्यूरॉन्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ट्रांसमिट करने के लिए नर्व इम्पल्स बिटवीन द मसल्स, उस उन न्यूरॉन्स को हम लोग बोलते हैं मोटर न्यूरॉन्स। जब इन मोटर न्यूरॉन्स का प्रोग्रेसिव डेथ होता है तब हमें कॉज होता है मोटर न्यूरॉन डिजीज। मोर ओवर जो ये मोटर न्यूरॉन होते हैं हमारे, ये मिलते हैं हमारे स्पाइनल कॉर्ड में, हमारे ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में स्पेसिफिकली जो हमारा ग्रे मैटर होता है वहां पे होते हैं। अब जब हमारे बॉडी में इन मोटर न्यूरॉन्स का डेथ शुरू होता है तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं दैट देयर इज वीकनेस इन लिम्स। अब ये नहीं कि सब लिम्स में सेम टाइम पे वीकनेस आनी शुरू हो जाती है, इट स्टार्ट्स विद वन पार्ट, मे बी योर लेग्स और योर आर्म्स, एंड धीरे से इट्स गेट स्प्रेड ऑल ओवर योर बॉडी। इट ऑल्सो इंक्लूड्स मसल एट्रॉफी, जिसका मतलब होता है थिनिंग ऑफ योर मसल मास। अब इसके साथ
कुछ और भी सेकेंडरी सिम्टम्स देखे जाते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट मोटर न्यूरॉन डिजीज, बी इट पेन, लैक ऑफ एपेटाइट और लैक ऑफ स्लीप. अब एग्जैक्ट कॉज हमें नहीं पता है कि एमएनडी का क्या होता है, लेकिन ये माना जाता है दैट इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक प्रॉब्लम्स एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स. स्पेसिफिकली फॉर एग्जाम्पल, कोई एक्सपोजर हो गया हमारा वायरस को, एंटेरो वायरस को, तो उस चक्कर में हो सकता है. और मे बी इफ देयर इज एनी जीन म्यूटेशन, लाइक कुछ 5 से 10% केसेस में देखा गया है एमएनडी के कि उसके अंदर जीन म्यूटेशन होती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपका एक जीन होता है SOD1, अगर वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा एंजाइम होता है बॉडी के अंदर जो हमारे सेल्स को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज. सो अगर ऐसा कुछ देखा जाए तो इनके जीन के अंदर कोई प्रॉब्लम हो तो हो सकता है. देन आई से कि देर इज न्यूरोनल डैमेज, ये एक और रीजन है जिस चक्कर में हमें एमएनडी हो सकता है. न्यूरॉन डैमेज मतलब जो हमारे बेसिकली जो ये न्यूरॉन्स हैं जो हमारे हेल्प करते हैं सिग्नलिंग में बिटवीन योर ब्रेन एंड योर मसल, उसके अंदर डैमेज है एंड डीजनरेशन है. दिस विल डिस्टरप्ट योर नॉर्मल कम्युनिकेशन बिटवीन योर नर्व्स एंड योर मसल्स. देन देर इज ग्लूटामेट एक्साइटोटॉक्सिसिटी, जब आपके जो ट्रांसमीटर होते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर ग्लूटामेट, उसके लेवल के अंदर इंक्रीज हो जाता है. ये लीड करता है टू स्टिमुलेशन ऑफ मोटर न्यूरॉन्स विच कैन लीड टू इट्स डिजनरेशन एंड फाइनली इट्स डेथ. देन देर इज ऑल्सो प्रोटीन एग्रीगेशन, जो प्रोटीन का क्यूमुलेशन होता है इन डिफरेंट मोटर न्यूरॉन्स. जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक प्रोटीन होता है टार डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन 43, अगर उसका अक्यूमुलेशन हो जाए इन मोटर न्यूरॉन्स में, सो इट विल डिस्टर्ब द नॉर्मल सेल्यूलर फंक्शन एंड इट विल लीड टू डेथ ऑफ दीज मोटर न्यूरॉन्स कॉजिंग एमएनडी. देन अब हमने ये समझ लिया कि अच्छा इन चीजों के चक्कर में ये डिजीज हो सकता है, लेकिन सबसे टिपिकल साइंस क्या देखे गए हैं इसके. सबसे टिपिकल साइंस, सबसे पहले जो आप देखेंगे होता है आपका मसल वीकनेस. व्हेन आई से मसल वीकनेस, एज मैंने पहले मेंशन करा, सब जगह साथ में शुरू नहीं होता है, इट स्टार्ट्स विद वन पार्ट, मे बी योर आर्म्स और योर लेग्स, एंड ओवर टाइम वो स्प्रेड करता है थ्रू आउट द बॉडी. देन देर इज मसल एट्रॉपी, जहाँ पे आपके मसल का श्रिंकेज होता है बिकॉज वहां पे नर्व स्टिमुलेशन नहीं हो पा रहा है, वहां पे न्यूरल कनेक्शन नहीं बन पा रहा है. देन देर आर मसल क्रैम्प्स, ट्विचिंग, जो सब लोग देखते हैं यूजुअली. देन कुछ कॉग्निटिव चेंजेस होते हैं. नाउ व्हेन आई से कॉग्निटिव चेंजेस, तो ये प्राइमरी देखे जाते हैं जहाँ पे पार्शियल मेमोरी इम्पेयरमेंट होता है, और मे बी जो आपके कॉग्निटिव नॉर्मल स्किल्स, जो आप जैसे सुक्षित ने बोला उसकी कंडीशन में हुआ, वो बोल नहीं पा रहा था, लिख नहीं पा रहा था, तो जो नॉर्मल कॉग्निटिव स्किल्स होते हैं उसके अंदर प्रॉब्लम होता है. जब हम बात करते हैं ALS की पर्टिकुलर, ये सबसे कॉमन फॉर्म है हमारा एमएनडी का. इसके अंदर सेम सिम्टम्स देखे जाते हैं, जैसे आपका हो गया मसल एट्रोपी, मसल वीकनेस हो गया, मसल में रिजिडिटी हो गई, ये सब देखा जाता है. इन स्पेसिफिक ये देखा गया है जो ALS होता है, इट इज मोर कॉमन इन मेन, 20% ज्यादा मेन में कॉमन होता है, एंड सबसे ज्यादा इसका इंसिडेंस रेट होता है 40 से 70 की एज गैप में. एक बहुत पर्टिकुलर जीन के बारे में मैंने बात करी थी, C9ORF72. इस कंडीशन में स्पेसिफिकली ALS के अंदर इस जीन का म्यूटेशन काफी केसेस में देखा गया है. एंड दिस जीन इज इम्पॉर्टेंट अगर आपको नॉर्मल आपका सेल्यूलर फंक्शन मेंटेन करना है आपकी बॉडी के अंदर. सिमिलरली ALS के अंदर इन केसेस में दे आर मोर कॉग्निटिव चेंजेस इन कंपैरिजन टू एनी अदर फॉर्म ऑफ एमएनडी, स्पेसिफिकली इन अ सब टाइप नोन एज ALS विथ फ्रंटो टेम्पोरल डिमेंशिया. अब इससे पहले हम लोग जाएं कि मेडिकल कैनिबिस कैसे हेल्प करता है किसी भी एमएनडी कंडीशन में या कोई न्यूरोलॉजिकल कंडीशन जैसे पार्किंसंस हो गया, एक बहुत बेसिक चीज हमें पता होनी चाहिए कि मेडिकल कैनिबिस क्या है एंड व्हाट इट कंसिस्ट ऑफ. जो मेडिकल कैनिबिस होता है इट बेसिकली इज अ फुल स्पेक्ट्रम एक्सट्रैक्ट जो आपको इंडिया में मिलता है. इट हैज ऑल काइंड ऑफ कंपाउंड्स, इसमें टर्पीन्स होते हैं, इसके अंदर कैनेबिनॉइड्स होते हैं. कैनेबिनॉइड इज अ क्लास ऑफ एक्टिव कंपाउंड जो बेसिकली हमारे बॉडी के अंदर हेल्प करता है विद द सिम्टम्स विच यू सी इन एमएनडी. अब हमारे जो कैनेबिनॉइड होते हैं, हमारे 100 से ज्यादा कैनेबिनॉइड हैं, लेकिन जो दो मेन कैनेबिनॉइड हैं वो हमारे होते हैं CBD और THC. जब हम बात करते हैं एंडोकैनेबिनॉइड सिस्टम की, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारे कैनेबिनॉइड जो हमारे मेडिकल कैनबिस एक्सट्रैक्ट का पार्ट है वो हमारा एक्ट करने वाला एंडोकैनाबिनॉइड सिस्टम पे, तो ये ECS है क्या? सो ECS इज नथिंग बट इट्स अ सिस्टम जो आपके बॉडी के सारे सेल्यूलर फंक्शंस मेंटेन करता है, जो आपका पेन हो गया, आपका इम्यून रिस्पॉन्स हो गया, आपका एपेटाइट हो गया, ये सब. एंड देन
अगर हम लोग कैनेबिनॉइड्स की बात करें जो ये हमारे ईसीएस के साथ एक्ट करने वाले, इंटरैक्ट करने वाले, सिम्टम रिलीव देने वाले हैं, तो वो होते हैं सीबीडी एंड टीएचसी, दो मेन कैनेबिनॉइड्स। अब इन सिस्टम के अंदर, एज यू कैन सी इन द फिगर जो आपके सामने है, कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। एक CB1 रिसेप्टर हो गया, एक CBD, एक CB2 रिसेप्टर हो गया। अब ये जो दो रिसेप्टर्स हैं, ये ऑल ओवर बॉडी, सारे टिश्यूज में, सारे ऑर्गन्स में इन डिफरेंट अमाउंट पाए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, इसके अंदर आपको ज्यादा मिलेगा CB1, लेकिन आपको जो इम्यून सेल्स होते हैं, आपके पेरिफेरल टिश्यूज होते हैं, यहाँ पे आपको मिलेगा आपका CB2। तो बेसिकली आपका जो CBD हो गया, THC हो गया, ये कंपाउंड्स इन दो रिसेप्टर्स के साथ जाकर इंटरैक्ट करेंगे एंड दे विल प्रोवाइड यू पेन रिलीफ इन MND। अब हम कुछ बात करते हैं क्लिनिकल एविडेंस की, कि हाउ मेडिकल कैनबिस इन पर्टिकुलर हेल्प्स विद MND और ALS। अब एक कॉज मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि ग्लूटामेट का एक्सेस अमाउंट रिलीज होगा, तो देर इज स्टिमुलेशन, जिस चक्कर में न्यूरॉन की डेथ होती है। सो व्हाट कैनबिस और कैनबिनॉइड्स विल डू इज कि ये जो आपका ग्लूटामेट का अमाउंट होगा, उसको वो ब्लॉक करेगा, जिससे आपका जो न्यूरॉन डेथ होगा, उसका अमाउंट डिक्रीज होगा। अब आप अगर फिगर को देखेंगे बहुत ध्यान से, तो मैं बहुत लेमैन लैंग्वेज में आपको समझाऊंगी कि एग्जैक्टली ग्लूटामेट का एक्शन ब्लॉक कैसे करेगा। लाइक इफ यू सी, जो आपके कैल्शियम आयन है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अगर आपका कैल्शियम आयन का अमाउंट बढ़ता है आपके पोस्ट साइनेप्टिक सेल के अंदर, तो उस टाइम पे क्या होता है कि आपका ये दो मॉलिक्यूल्स हैं जो आपके ईसीएस में प्रेजेंट होते हैं, AEA एंड 2AG, ये जो दो मॉलिक्यूल्स हैं, ये आपके पोस्ट साइनेप्टिक सेल से निकलेंगे, ये जो बीच में स्पेस है जिसको हम लोग बोलते हैं साइनेप्टिक स्पेस, यहाँ जाएंगे एंड दे विल एंटर द प्री साइनेप्टिक एरिया, जहाँ पे वो हमारा CB1 रिसेप्टर, विच इज अ पार्ट ऑफ ईसीएस, उसको जाके एक्टिवेट करेगा। अब ये CB1 रिसेप्टर की खासियत क्या है कि जैसे ये एक्टिवेट होता है, उसी टाइम पे जो आपका ग्लूटामेट रिलीज होता है, उसको ब्लॉक कर देगा। अब इसमें CBD का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि CBD इनडायरेक्टली इसी रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा, ताकि ग्लूटामेट हो गया आपका, या आपका कोई और कंपाउंड हो गया, उसको वो गाबा हो गया जैसे, उसका वो रिलीज ब्लॉक कर सके, ताकि आपकी न्यूरॉन डेथ कम हो। अब CBD क्या करता है, ये आपका जाएगा ये पा मॉलिक्यूल पे। पा इज बेसिकली एंजाइम जो आपका AEA को ब्रेक डाउन करता है, ताकि उसका रिलीज रुक जाए। तो ये पा को इनडायरेक्टली इनहिबिट करेगा, ताकि आपका AEA सेम फॉर्म में रहे, उसका ब्रेक डाउन ना हो, और वो रिलीज होके आपका CB1 रिसेप्टर को एक्टिवेट कर पाए, ताकि आपका ग्लूटामेट का लेवल जो पहले इंक्रीज हो गया था MND के चक्कर में, वो वापस से डिक्रीज होना शुरू हो जाए। तो दिस इज हाउ मेडिकल कैनबिस विल स्पेसिफिकली हेल्प इन ग्लूटामेट एक्साइटोटॉक्सिसिटी। अभी ये और भी काफी चीजों में हेल्प करता है, और भी काफी सिम्टम्स में हेल्प करता है, लाइक आई से माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन। अभी माइटोकॉन्ड्रिया हमने बच्चों में पढ़ा होगा, इज द पावर हाउस ऑफ आवर सेल्स, ठीक है। अभी इसके अंदर जब भी इम्पेयरमेंट होता है, जैसे हमारा आयरन का क्यूमुलेशन हो गया, माइटोकॉन्ड्रियल आयरन का क्यूमुलेशन हो गया, या हमारा जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज होते हैं उसका प्रोडक्शन हो गया, जो हमारे लिए लीथल हो सकता है, तो इन दोनों को वो क्या करेगा, जो हमारे कैनेबिनॉइड हो गए THC CBD, ये जाके हमारा इंटरैक्ट करेगा माइटोकॉन्ड्रिया के साथ, उसके फंक्शन को इन्फ्लुएंस करेगा, ताकि हमारा एक सेल्यूलर एनर्जी का बैलेंस वापस से आ सके, जो पहले इम्बैलेंस हो गया था बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन। दिस इज हाउ इट हेल्प्स इट माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन। देन आपका जो पेन होता है, स्पैस्टिसिटी, इसको हम बोलते हैं मसल के अंदर रिजिडिटी, जो हमारे मसल जब हमारे मूव नहीं कर पाते, इतने रिजिड हो जाते हैं कि हमें कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम होती है, मूवमेंट में प्रॉब्लम होती है, आपकी नेक में अगर रिजिडिटी आ जाता है, आप नेक नहीं हिला पाते हैं अपनी, तो इन दोनों के साथ भी काफी हेल्प करता है। स्पेसिफिकली इफ आई से कि ये पेन के साथ कैसे हेल्प करेगा, तो आपका क्या होता है, व्हेन यू हैव पेन, तो देयर इज वन स्पेसिफिक मॉलिक्यूल आपका कैनेबिनॉइड का, वन स्पेसिफिक कैनेबिनॉइड जिसको हम बोलते हैं THC। अब ये जो THC है ना, ये जाके इंटरैक्ट करता है आपके CB2 रिसेप्टर्स के साथ, उनको एक्टिवेट करेगा, आपके इम्यून सेल्स पे जाके एक्टिवेट करेगा, एंड ये बोलेगा अब जब मैंने आपको एक्टिवेट कर दिया है, तो अब जो मेरे बॉडी का जो पेन अमाउंट है, उसको आप रिड्यूस करिए। सो बेसिकली बाय एक्टिवेशन ऑफ CB2 रिसेप्टर्स, वो आपके बॉडी का जो पेन होता है, उस लेवल को कम करता है, आपको पेन रिलीफ प्रोवाइड करता है इंस्टेंटली। अब ये सेम जो आपके कैनेबिनॉइड्स होते हैं, ये CB1 रिसेप्टर्स पे भी जाके एक्ट करते हैं, जो आपके ब्रेन में होते हैं, आपके स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं, एंड वहां जाके ये करते हैं मसल रिलैक्सेशन। एज मसल रिलैक्सेशन हैपेंस, आपका जो रिजिडिटी होता है, जो आपकी मूवमेंट स्टिफ हो जाती है, वो स्टिफनेस धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है। यही एक ब्रेक थ्रू हुआ था 2018 में,
जहाँ पे एक स्टडी में देखा गया था स्पेसिफिकली कि इट वाज आई थिंक अ स्टडी ऑफ 95 पेशेंट्स कुछ, जहाँ पे दो ग्रुप्स में उनको डिवाइड कर दिया था. एक को आपका प्लासिबो दिया था, मतलब कोई नॉर्मल ड्रग दिया था, एंड एक को दिया था स्पेसिफिकली मेडिकल कैनबिस एक्सट्रैक्ट. और जिस ग्रुप को मेडिकल कैनबिस एक्सट्रैक्ट दिया था उस ग्रुप में देखा गया था कि जो आपका मसल स्टिफनेस है, जो आपका पेन है, पेन में रिडक्शन एंड मसल स्टिफनेस में इम्प्रूवमेंट उस ग्रुप में ज्यादा देखा गया था जहाँ पे मेडिकल कैनबिस एज अ मेडिकेशन यूज किया गया था. दिस वॉज डन इन 2018. नाउ वेन आई टॉक अबाउट अदर सिम्टम्स की ये और कैसे हमारी बॉडी में हेल्प कर सकता है कैनबिस, वन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इज न्यूरो प्रोटेक्शन. जो हमारे कैनेबिनॉइड्स होते हैं ना, ये हमारा बॉडी में एक न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर होता है. ये जो न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर्स होते हैं, ये उसको जाके बेसिकली क्या बोलेगा, दैट आई एम गोइंग टू स्टिमुलेट यू, आई विल इन्फ्लुएंस यू कि आप हमारा नॉर्मल ग्रोथ मेंटेन करो, दैट यू डोंट लेट आर नर्व सेल्स डाई. जैसे आपका एक फैक्टर हो गया ब्रेन डिराइव न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर, तो ये क्या करेगा, उसको ही बोलेगा, इन्फ्लुएंस करेगा, स्टिमुलेट करेगा, रेगुलेट करेगा इन जनरल लैंग्वेज, ठीक है, कि प्लीज हमारे सेल्स को मरने मत दो. तो कैनेबिनॉइड का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि वो हमारे न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर्स को रेगुलेट करता है और हमारे सेल डेथ रिड्यूस करने में हेल्प करता है. एडिशनली हमारे जो कैनेबिनॉइड्स होते हैं, दे ऑल्सो हेल्प इन रिडक्शन ऑफ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस. जो मैंने पहले मेंशन किया था माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन के अंदर कि ROS स्पीशीज का फॉर्मेशन होता है, तो ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस रिड्यूस करेगा तो ROS का फॉर्मुलेशन भी अपने आप नीचे चला जाएगा. एंड देन कम्स इंफ्लेमेशन. काफी लोगों ने देखा होगा कि वो इन्फ्लेम्ड बॉडी पार्ट्स होते हैं. इन्फ्लेमेशन में कैसे हेल्प करता है ये, लाइक फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ कैनेबिनॉइड लाइक CBD, ठीक है, तो वो जाएगा और बोलेगा आपके प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइनेंस को, जैसे आपका हो गया ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर और आपका हो गया इंटरल्यूकिन 10, कि यार एक काम करो तुम अपना अमाउंट कम कर लो ताकि मैं एंटी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर सकूं, और मैं एंटी इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइनेंस को बोलता हूँ कि तुम्हारा अमाउंट मैं बढ़ा रहा हूँ. तो बेसिकली ये इंटरल्यूकिन 10 जैसे साइटोकाइनेंस का अमाउंट बढ़ाएगा ताकि आपका इन्फ्लेमेशन डाउन जाए. इसी के लिए हम लोगों ने भी रिसेंटली एक स्टडी करा था विद कैनाजोइन का मेडिकेशन, जो अभी हमारा अंडर पब्लिकेशन है डेटा, जहाँ पे हम लोगों ने पेशेंट्स इंक्लूड करे थे जिनको न्यूरोपैथिक पेन था, उनको स्लीप में प्रॉब्लम था, देन दे हैड एपेटाइट का प्रॉब्लम एंड उनको काफी इंफ्लेमेशन था. अब इंफ्लेमेशन का ना एक बायोमार्कर होता है बहुत स्पेसिफिक, CRP लेवल, जिसको हम बोलते हैं सी रिएक्टिव प्रोटीन. जब हमारे सी रिएक्टिव प्रोटीन एलिवेटेड फॉर्म में पाए जाते हैं ना, तो दैट मीन्स वी हैव इन्फ्लेमेशन, तो साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन. तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ओवर अ पीरियड ऑफ 1 मंथ हम लोगों ने उनको 1:1 का एक्सट्रैक्ट दिया, विच इज CBD इज टू THC बैलेंस. तो उसमें हम लोगों ने देखा दैट आफ्टर 1 मंथ रिजल्ट आने फर्स्ट वीक के एंड में शुरू हो गए थे, जहां पर उनको पेन रिलीफ था, 60% पेन रिलीफ था, कुछ लोगों को 50% पेन रिलीफ था, बट बाय एंड ऑफ 1 मंथ वी सॉ दैट इन मोस्ट केसेस दे हैड 80% पेन रिलीफ, दे हैड उनका CRP का जो लेवल था वाज डाउन रेगुलेटेड, प्लस उनका जो स्लीप था उसका क्वालिटी इंक्रीज हो गया था. एंड जिन पेशेंट्स को बहुत ज्यादा नींद आ रही थी, उनमें CBD एक्टेड एज अ एनर्जी इंक्रीज, जहाँ पे उनकी एनर्जी इनहेंस हो गई थी, तो उनको उन्होंने एक वो फंक्शन आया उनकी बॉडी के अंदर कि दे वर फीलिंग मोर एनर्जेटिक. सो इसलिए बोलते हैं CBD ऑल्सो हैज इम्यूनिटी बूस्टिंग प्रॉपर्टीज, जहाँ पे इट मेक्स यू मोर एक्टिव. अब हमने बात कर ली है मोटर न्यूरॉन डिजीज की, तो हम आगे बढ़ते हैं एक दूसरे न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर पे, जिसको हम लोग बोलते हैं पार्किंसंस. पार्किंसंस का मेन कॉज होता है दैट देयर इज लॉस ऑफ डोपामिन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन्स, जो हमारे ब्रेन रीजन में होते, जिसको हम बोलते हैं सबस्टेंशिया नाइग्रा. ये जो लॉस होता है ना, ये डोपामिन का लॉस बेसिकली लीड्स टू अ वेराइटी ऑफ मोटर सिम्टम्स, जैसे ट्रेमर्स हो गए, रिजिडिटी हो गई, ब्रैडीकाइनेशिया हो गया, ब्रैडीकाइनेशिया मतलब स्लोनेस ऑफ मूवमेंट. एंड ऑल्सो इसमें देखा जाता है इस कंडीशन में स्पेसिफिकली दैट देयर इज फॉर्मेशन ऑफ लुई बॉडीज. ये जो लुई बॉडीज होती हैं, इनको हम बोलते हैं कि हमारा एक अल्फा साइन्यूक्लिन बॉडी, अल्फा साइन्यूक्लिन होता है, उसके एग्रीगेट अगर हमारी बॉडी में फॉर्म हो जाए, इफ दे गेट फॉर्म, तो देन देर आर लुई बॉडीज विच इज अ हॉलमार्क ऑफ पार्किंसंस डिजीज. ये जो लुई बॉडीज होती हैं, ये एग्रीगेट्स बेसिकली दे डिस्टर्ब नॉर्मल सेलुलर फंक्शन, नॉर्मल जो आपका प्रोसेसेस होते हैं बॉडी के अंदर जो होने चाहिए वो, एंड दे लीड टू डेथ ऑफ डोपामिन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन्स. डिजीज के बारे में हमें समझ आ गया कि ओके, इट्स बिकॉज अब नॉर्मल अल्फा साइन्यूक्लिन का प्रोडक्शन हो रहा है, उसके एग्रीगेट्स बन रहे हैं, और मे बी बिकॉज डोपामिन के जो सेल्स है उसका
हमारा डिस्ट्रप्शन हो रहा है, उसकी डेथ हो रही है, बट इसके अंदर और क्या कॉजेस हो सकते हैं। जस्ट लाइक हम लोगों ने देखा कि मोटर न्यूरॉन डिजीज का कोई स्पेसिफिक कॉज नहीं है, सिमिलरली जो आपका पार्किंसन है इसके अंदर भी कोई स्पेसिफिक कॉज नहीं है। ये जो है ये एक मिक्स है आपका जेनेटिक प्रॉब्लम्स का एंड आपका एनवायरमेंटल फैक्टर्स का। जब हम देखते हैं कि जेनेटिक फैक्टर्स कौन से अफेक्ट कर सकते हैं, एक तो आपका हो गया अल्फा साइनुक्लिन का जीन, दूसरा एक पिंक वन करके जीन होता है, उसके अंदर म्यूटेशन होता है तो हो सकता है। एनवायरमेंटल फैक्टर जैसे कोई टॉक्सिन को आपके आपने एक्सपोजर ले लिया, उस चक्कर में आपका पीडी का रिस्क बढ़ जाता है। देन अगर आप देखेंगे तो न्यूरो इंफ्लेमेशन होता है। ये जो न्यूरो इंफ्लेमेशन है ना, ये आप हर न्यूरो डिजेनरेटिव या हर न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में देखेंगे। एंड इसके अंदर मेडिकल कैनबिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज इट हेल्प्स रिड्यूस योर न्यूरो इंफ्लेमेशन। माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन जैसे मैंने पहले मेंशन करा। जब हम बात करते हैं कॉजेस से आगे बढ़कर कि इसके सिम्टम्स को कैसे हम लोग कैरेक्टराइज कर सकते हैं, कैसे उनको हम लोग समझ सकते हैं, तो इसके लिए एक बहुत फेमस चलता है ट्रैप। ट्रैप का मतलब होता है टी से ट्रेमर, जहाँ पे हम शेकिंग देखते हैं हमारे हैंड के अंदर। आर से होता है रिजिडिटी, जब हमारे स्टिफनेस होती है हैंड्स में, किसी और बॉडी पार्ट में, हमारे मसल्स में। ए से होता है एकिनेसिया, जहाँ पे हमारा मूवमेंट के अंदर इम्पेयरमेंट होता है, वॉलंटरी मूवमेंट के अंदर। एंड पी जहाँ पे हमारा होता है पॉस्चर एंड बैलेंस, इसके अंदर इंस्टेबिलिटी होता है। तभी आप कुछ लोगों ने नोटिस करा होगा पेशेंट्स के अंदर व्हेन दे वॉक उनके ना मोटर बैलेंस में प्रॉब्लम होता है, दे नॉट एबल टू मेंटेन दैट स्टेबिलिटी व्हाइल वॉकिंग। तो ये एक सिम्टम है जो देखा जाता है। जब हम बात करते हैं कि मेडिकल कैनविस हेल्प कैसे करता है, अब मैंने आपको समझाया कि इंफ्लेमेशन में कैसे काम करता है, वापस मैं आपको समझा दूंगी 2 सेकंड में उसके बारे में। तो वापस मैंने समझाया माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन में कैसे हेल्प करता है मेडिकल कैनविस। हम बात करते हैं कि इन स्पेसिफिक पार्किंसंस में जो हमारा डोपामीन रेगुलेशन होता है उसको कैसे हेल्प करता है ये, बिकॉज हमारा मेन कॉज क्या होता है, डोपामीन के जो सेल्स होते हैं उसके अंदर डेथ। तो व्हाट इट डज इज, दो लाइन में जैसे आपका मॉलिक्यूल है कैनबिनॉइड है आपका सीबीडी, ठीक है, वो जाके आपका अटैच होगा एक हमारा जी कपल प्रोटीन 6 होता है उस रिसेप्टर पे जाके, वहां पर जाके वो इस रिसेप्टर की एक्टिविटी कम कर देगा एंड सेम टाइम पे डोपामिन का अमाउंट बॉडी में बढ़ा देगा, स्पेसिफिकली आपके ब्रेन के अंदर। तो दिस इज हाउ कैनबिनॉइड्स हेल्प टू यू नो रिकवर द लॉस ऑफ डोपामिन जो हम लोग पार्किंसंस के टाइम पे देखते हैं। ये एक चीज हो गई। अब जब हम बात करते हैं कि इसके एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज कैसे काम करती है, सिमिलरली जैसे हम लोगों ने पहले देखा, ये जो आपका प्रो इंफ्लेमेटरी लेवल्स होंगे उनको कम करेगा एंड आपके जो एंटी इंफ्लेमेटरी साइटोकाइनिन्स होंगे, कोई एंजाइम्स होंगे, उसका लेवल बढ़ाएगा। ये इसका एक एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है जो हम लोग हर न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में देखते हैं, इट हेल्प्स विथ न्यूरो इंफ्लेमेशन। जब हम बात करते हैं इम्प्रूवमेंट इन मोटर सिम्टम्स, जो हमारे मोटर सिम्टम्स होते हैं ना, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हमें स्टिफनेस है, रिजिडिटी है, जैसे हम लोगों ने पहले बात करी। अब इसके अंदर मेडिकल कैनबिस कैसे हेल्प कर सकता है, THC स्पेसिफिकली जो हमारा कैनेबिनॉइड है ये यहाँ पे काफी हेल्प करता है। ये क्या करेगा, हमारे बॉडी में ना एक सेरोटोनिन रिसेप्टर होता है, उस पे जाके ये अटैच होगा, उसके साथ इंटरैक्ट करेगा और ये बोलेगा दैट मसल रिलैक्सेशन करो। जब ये मसल रिलैक्सेशन होगा सो इट ऑल्सो इनहिबिट्स द ट्रेमर्स जो हम लोग पार्किंसंस में देखते हैं, जो हम शेकीनेस देखते हैं, ये उसके साथ भी हेल्प करेगा। एट द सेम टाइम जब ये हमारा रिसेप्टर पर जाके इंटरैक्ट कर रहा है, ये ऑल इट ऑल्सो एक्टिवेट्स योर TRPV1 रिसेप्टर। एक स्टडी में रिसेंटली देखा गया था कि एंजाइटी में भी काफी अच्छे इफेक्ट्स हैं इसके। एंजाइटी में क्या होता है ना, आपको बहुत स्ट्रेस होता है, यू आर नॉट फीलिंग हैप्पी, आपको समझ नहीं आ रहा है, आप डिप्रेशन हो रहा है, तो उस टाइम पे भी ये जो सेरोटोनिन रिसेप्टर होता है उस पे जाके ये एक्ट करता है, जो होता है आपके एमिगडाला में। एमिगडाला आपका एक ब्रेन का ऐसा पार्ट है जो आपका हैप्पीनेस, आपके जो मूड स्विंग्स होते हैं, फीलिंग फीलिंग अप्रिशिएटिव, वो सारी फीलिंग्स के कंट्रोल करता है। सो ये एमिगडाला के पे जाएगा, वहां पे जो आपका सेरोटोनिन रिसेप्टर होता है उस पर जाके इंटरैक्ट करेगा एंड जो आप स्ट्रेस फील कर रहे हैं उसको रिलीव करके इट विल गिव यू अ फीलिंग कि आप हैप्पी फील करेंगे। आप हैप्पी फील करेंगे, आपको सैड फील नहीं होगा, ये सब करेगा। इसको छोड़कर जब हम खाने की बात करते हैं, कुछ पेशेंट में देखा गया है कि वहां पे लैक ऑफ एपेटाइट होता है। सो जो हमारा THC मॉलिक्यूल है हमारे कैनेबिनोइड्स का,
ये क्या करता है, ये जो आपका ग्रेलिन मॉलिक्यूल होता है ना, जो आपका एपेटाइट कंट्रोल करता है, उस पे जाके इंटरैक्ट करेगा और वहां पे आपका जो प्रोटीन टायरोसिन होगा उसका लेवल रिड्यूस करेगा। जब इसका लेवल रिड्यूस होता है तो आपको भूख लगती है, तो दैट इज द टाइम जब आपको लगता है कि कुछ खाना है। बट ऐसा भी नहीं खाना है कि आपको एक्सेसिव ईटिंग हो जाए, बट इतना होता है कि यार आपको जो पहले खाने का मन नहीं हो रहा था कि आप नहीं खा पा रहे थे, आप खा पाएंगे अब। एंड प्लस आपका जो वेट भी होगा वो मेंटेन रहेगा। अभी एक रिसेंट स्टडी है, ये 2023 की स्टडी है, जहाँ पे कुछ 69 पेशेंट्स पे ये स्टडी हुई थी। यहाँ पे दिया गया था 1:1 सीबीडी इज टू टीएचसी बैलेंस एक्सट्रैक्ट, फुल स्पेक्ट्रम कैनबिस का एक्सट्रैक्ट, जहाँ पे सारे कंपाउंड्स थे, आपके कैनेबिनॉइड्स हो गए, आपके टर्पिन्स हो गए, जो भी नेचुरली प्रेजेंट होता है, सारे कंपाउंड्स थे इसके अंदर। अब इसके अंदर क्या देखा गया कि 87% पेशेंट्स के अंदर इम्प्रूवमेंट था इन देयर सिम्टम्स जो पीडी में देखे गए हैं। स्पेसिफिकली जो उनका लैक ऑफ एपेटाइट था, जो उनको खाने में प्रॉब्लम हो रहा था, या जो उनके ट्रेमर्स थे जहाँ पे उनकी शेकीनेस नहीं जा पा रही थी, उसके अंदर जो उनका बेसिकली स्पैस्टिसिटी था, जो हम रिजिडिटी बोलते हैं मूवमेंट में, वो उसमें हेल्प करा, जो पेन लेवल था उसको रिड्यूस करने में हेल्प करा। तो ये एक रीसेंट स्टडी थी जो देखी गई थी, जहाँ पे पेशेंट्स को काफी रिलीफ मिला था। एंड यहाँ पे जब हम एडवर्स इफेक्ट की भी बात करते हैं, तो एज सच बहुत लो रेट था एडवर्स इफेक्ट का, इतना देखे नहीं गए थे। जस्ट टू समराइज, इतना कुछ बोला मैंने साइंस, इतना सारा साइंस बोल दिया कि किसी के भूल ना जाए, सिर्फ 3 लाइनों में। एक, ये क्या करेगा, कैनेबिनॉइड्स जो हमारे मेडिकल कैनबिस में होते हैं, ये जाके इंटरेक्ट करेंगे एंडोकैनाबिनॉइड सिस्टम के साथ। उसमें रिसेप्टर्स होते हैं कुछ, जैसे CB1 हो गया, CB2 हो गया, कुछ एंजाइम्स होते हैं, जैसे पाम मॉलिक्यूल हो गया। तो वहां पे जाके ये हमारे स्पेसिफिकली मोटर न्यूरॉन डिजीज के अंदर ग्लूटामेट का लेवल कम करने में हेल्प करेगा। जब हम पार्किंसंस की बात करते हैं, तो वहां पे डोपामिन के लेवल हमारे रेगुलेट करने में हेल्प करेगा। सिम्टम्स की बात करें तो हमारा जो हम लोग स्टिफनेस देखते हैं, जो हम लोग रिजिडिटी देखते हैं, जो हमारा मोटर में कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम होता है वो देखते हैं, उसमें हेल्प करता है। सेकेंडरी जो हमारे एंजाइटी का प्रॉब्लम हो गया, हमारा लैक ऑफ एपेटाइट हो गया, उसके अंदर हेल्प करता है। रोल ऑफ कैनेबिनॉइड्स इन रिड्यूसिंग इन्फ्लेमेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो आप हर डिजीज में देखते हैं, तो इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करने में हेल्प करता है। एंड थर्ड, ये न्यूरो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कि जो आपके सेल डेथ हो रहा है, जो न्यूरॉन्स आपके मर रहे हैं, उनको मरने से हम लोग बचा पाए। दिस इज जस्ट अ समरी कि हर डिजीज में कौन से सिम्टम्स में काम करता है, जस्ट जो मैंने अभी बोला, ये एग्जैक्टली मैं वही इस स्लाइड के अंदर लिखा हुआ है। तो मैं इसमें और टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपना, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे योगेश जी स्टार्टिंग में बोल रहे थे, यार फिजियोथेरेपी इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो बिल्कुल सही बोल रहे थे। जब हम मेडिकल कैनबिस की भी बात करते हैं, सो इसको हम कपल कर सकते हैं बाकी थेरेपीज के साथ जो हमारी प्रेजेंट होती है, लाइक फिजियोथेरेपी हो गया, न्यूट्रिशन थेरेपी होगी, कॉग्निटिव रिहेबिलिटेशन हो गया। तो मैं बोलती हूँ कॉग्निटिव स्किल्स पे काम करना है, दिस इज स्पेसिफिकली जब हम ALS की बात करते हैं, जब हम पार्किंसंस की बात करते हैं, बिकॉज वहां पे कॉग्निटिव स्किल्स पे ज्यादा चेंजेस देखे गए हैं। जब हम न्यूट्रिशन थेरेपी की बात करते हैं, तो हमारे ईटिंग हैबिट्स हेल्दी होने चाहिए, हमारे न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स की जरूरत पड़ जाती है कभी कभी। अब मैं ये नहीं बोलूंगी दैट मेडिकल कैनबिस से आपको सारे सप्लीमेंट्स मिल जाएंगे न्यूट्रिशनल, बट यस, मेडिकल कैनबिस प्लांट की एक बहुत खासियत है कि उसका कोई भी जो पार्ट होता है ना, वो वेस्ट नहीं होता कभी। अगर उसके लीव से दवाई बनती है, तो उसके सीड से ऑयल बनता है। तो हेम्प सीड ऑयल में काफी अच्छी न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है, जो हमारे डाइट में हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। लाइक व्हेन आई से कि हमें हेम्प सीड ऑयल कंज्यूम करना चाहिए, तो ये इसलिए करना चाहिए बिकॉज एक रिच सोर्स है हमारे न्यूट्रिएंट्स का, एसेंशियल फैटी एसिड्स का। जब हम एसेंशियल फैटी एसिड्स की बात करते हैं ना, तो ओमेगा 3 हो गया, ओमेगा 6 हो गया, सबने कभी ना कभी, किसी ने कोई वेगन सप्लीमेंट ट्राई किया होगा, किसी ने फिश ऑयल ट्राई करा होगा, तो हेम्प सीड इज अ वेगन सप्लीमेंट जो ऑल्टरनेट तरीके से हम यूज कर सकते हैं फिश ऑयल के ऑल्टरनेट तरीके से। तो इसके अंदर ओमेगा 3 का अमाउंट, ओमेगा 6 का अमाउंट काफी हाई होता है, जो हमारी ब्रेन हेल्थ में हेल्प करता है। अगर हमारा ब्रेन हेल्थ अच्छा रहेगा, तो वैसे भी हमारी कंडीशन में वो इनडायरेक्टली हेल्प करेगा, इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करने में भी हेल्प करेगा, बिकॉज हमारा ब्रेन हेल्थ इंपैक्ट हो रहा है उससे। अब जब हम प्रोटीन की बात करते हैं, तो हमारा जो हेम्प सीड ऑयल होता है ना, इसके अंदर प्रोटीन का लेवल भी काफी अच्छा होता है, हमारे कार्बोहाइड्रेट्स 0 होते हैं। ये एक बहुत अच्छा देखा गया है इसके अंदर, जो लोग डाइट कॉन्शियस लोग हैं जिनको कार्बोहाइड्रेट्स पसंद नहीं है, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स का अमाउंट एकदम 0 होता है। इट्स वेगन वेज है ये, इसके अंदर कोई भी एनिमल प्रोडक्ट ऐड नहीं किया गया है। हेम्प सीड ऑयल इज अ वेज प्रोडक्ट, प्लांट बेस्ड है ये।
इसके अंदर विटामिन की बात करें तो विटामिन ई का लेवल काफी हाई है। जब हम कैल्शियम की बात करते हैं, इसमें कैल्शियम का अमाउंट काफी अच्छा है। मिनरल्स में मैग्नीशियम हो गया, पोटेशियम हो गया, इसके सप्लीमेंट्स हमें लेने पड़ते हैं बहुत बार, तो इसके अंदर उसका अमाउंट काफी अच्छा है। अब इसके अंदर ना दो और बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हमारे हेम्प सीड ऑयल के अंदर, जो हमारा हेल्प करते हैं इन्फ्लेमेशन के साथ। एक हमारा हो गया आपका टोकोफेरॉल्स, दूसरे हमारे हो गए फाइटोस्टेरॉल्स। ये दोनों ऐसे कंपाउंड्स हैं जो आपके सेल्स को प्रोटेक्ट भी करेंगे ताकि उनकी सेल डेथ ना हो, और सेम टाइम पे आपको एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट भी देंगे कि आपका इन्फ्लेमेशन डाउन हो। तो एज अ कपल थेरेपी आप अगर मेडिकल कैनबिस कंज्यूम कर रहे हैं तो साथ में न्यूट्रिशन अपनी डाइट के अंदर हेम्प सीड ऑयल को ऐड कर सकते हैं। अब हमने इतनी साइंस की बात कर ली है तो हम अब आते हैं कैनाजोइंडा के प्रोडक्ट्स पर। अब जब हम कैनाजोइंडा के प्रोडक्ट्स की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे हमारे पास मोस्टली हर टाइप का प्रोडक्ट मिलेगा आपको, हर फॉर्मेट का, चाहे वो टिंचर हो गया, कैप्सूल्स हो गए, सॉफ्ट जेल्स हो गया, बाम लोशन हो गया, रोल ऑन हो गया। रोल ऑन बेसिकली एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए, जहाँ पे आप पेन रिलीफ के लिए यूज कर सकते हैं, या तो आपका प्योर एक्सट्रैक्ट हो गया जो हम सिरिंज के फॉर्म में देते हैं, डब्बे के फॉर्म में देते हैं, जिसको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। जब मैं प्योर एक्सट्रैक्ट बोलती हूँ, इट मीन्स उसके अंदर कोई कैरियर ऑयल नहीं है, इट्स जस्ट द प्योर एक्सट्रैक्ट। व्हेन आई से योर टिंचर, टिंचर के अंदर आपका एक्सट्रैक्ट भी होगा और साथ में आपका कैरियर ऑयल भी होगा, तो मतलब इट्स अ डाइल्यूटेड फॉर्मेट जो कंज्यूम कर सकते हैं आप किसी ड्रॉपों के साथ। सबसे पहले आएगा हमारा कैनारोनिल सिरिंज, ये हमारा 5 ग्राम का प्योर एक्सट्रैक्ट है, जिसके अंदर हमारे पास 3 वेरियंट्स है। एक हमारा सीबीडी रिच हो गया, एक हमारा टीएचसी रिच हो गया, एक हमारा 1:1 बैलेंस्ड हो गया, जिसमें सारे सब कुछ है, सीबीडी भी टीएचसी बट इन बैलेंस्ड रेशियो। इसकी जब हम बात करते हैं तो ये हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट पोटेंसी वाला प्रोडक्ट है, जहाँ पे इसका पोटेंसी 5000 mg। बाय 5000 mg आई मीन पर ग्राम में 1000 mg, तो पर ड्रॉप में अप्रोक्सीमेटली 50 mg होगा इसका। ये एक सिरिंज के फॉर्म में आता है, ये सबलिंगुअल के लिए यूज करते हैं। सबलिंगुअल का मतलब टंग के नीचे ले सकते हैं, टंग के ऊपर ले सकते हैं, या तो घर पे जो भी आपके पास अवेलेबल खाने वाला ऑयल हो, ऑलिव ऑयल हो गया आपका, सेसमे ऑयल हो गया, सरसों का तेल हो गया, उसमें आप इसको हल्का सा मिला के कंज्यूम कर सकते हैं चम्मच के थ्रू। ये आपका हेल्प करता है बेसिकली, जब हम बात करते हैं ट्रेमर्स की, ट्रेमर्स के अंदर हेल्प करता है आपका, पेन रिलीफ में हेल्प करता है आपका, जो लैक ऑफ एपेटाइट है उसके अंदर हेल्प करता है। एंड अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट पर, कि जब हम बात करते हैं टीएचसी रिच अम्ब्रोसिया की। अब हमारे पास जो टीएचसी रिच विजया अम्ब्रोसिया है, विजया अम्ब्रोसिया जो है 30 ml का टिंचर है, इसके अंदर पर ml अगर हम लोग देखें तो 300 mg ऑफ कैनेबिनॉइड्स होंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले समझाया था जब हम साइंस की बात कर रहे थे बिहाइंड मेडिकल कैनबिस, कि वो किसी भी डिजीज में कैसे हेल्प करता है, नर्व सिस्टम डिजीज के अंदर, तो हमने देखा कि टीएचसी एक मॉलिक्यूल है जो हमारा एंटी इंफ्लेमेटरी हो गया, चाहे हमारा पेन रिलीफ हो गया, चाहे जो हमारा मसल को रिलैक्स करना है वहां पे हेल्प करना है, वहां पे टीएचसी का बहुत अच्छा रोल देखा गया है। तो इसलिए यहाँ पे टीएचसी रिच विजय अम्ब्रोसिया हमारे पास अवेलेबल है। इवन जो हमारे ट्रेमर्स हो गए, कुछ पेशेंट को स्पेसिफिकली हमें टीएचसी रिच पे शुरू करना पड़ता है, तो वहां पे ट्रेमर्स के लिए भी हम लोग टीएचसी रिच विजय अम्ब्रोसिया ही देते हैं। फिर हमारे पास आता है दूसरा वेरियंट, सीबीडी रिच विजय अमृत। अब यहाँ पे अगर कोई किसी को एनर्जेटिक फील करना है, इम्यूनिटी बूस्ट करनी है आपकी, या आपको एनजाइटी है, थोड़ा स्ट्रेस है, तो उन कंडीशन में विजया अमृत हेल्प करता है। स्पेसिफिकली अगर मैं न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर की बात करूँ, किसी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन की बात करूँ, तो वहां पे अल्जाइमर्स ले लीजिए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो अल्जाइमर्स में ना आपका एमेलॉइड प्रोटीन के एग्रीगेट्स बन जाते हैं, तो वहां पे सीबीडी का काफी अच्छा रोल देखा गया है। इवन जो आपका कॉग्निटिव स्किल्स होता है, वहां पे सीबीडी इज अ मॉलिक्यूल जो काफी ज्यादा हेल्प करता है। सो बहुत बार क्या करते हैं, जो भी डॉक्टर्स हमारे साथ अवेलेबल हैं, वो कपल करते हैं, वो सीबीडी को और टीएचसी दोनों फॉर्मुलेशन को साथ में पेशेंट्स को देते हैं, तो वहां पे सीबीडी का भी रोल देखा गया है, विच इज सीबीडी रिच विजया अमृत। अब ये जो है हमारे पास दो फॉर्मेट्स में अवेलेबल है, एक 15 ml हो गया, एक हमारा हो गया 50 ml का। एंड सेम एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है हमारा, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, बट उसके लिए हम टाइम्स ऑफ इंडिया में भी कवर किए गए थे। वहां पे एक ऑटिस्टिक प्रॉब्लम था और एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम था, जहाँ पे जब हम लोग इम्प्रूवमेंट देखा जाए मोटर सिम्टम्स में, कॉग्निटिव स्किल्स में, तो वहां पे काफी अच्छे रिजल्ट देखे गए थे, एंड उसके लिए टाइम्स ऑफ इंडिया ने हमें कवर किया था। अब जब मैं बात करती हूँ कि सीबीडी एक, अगर हम टिंचर ले लें, मेरे पास एक्चुअली है यहाँ पे, जब हम एक टिंचर की बात करते हैं, तो टिंचर को हमें यूज कैसे करना चाहिए,
अब यूजुअली आपके पास, अगर आप टिंचर लेंगे तो आपके पास जो टिंचर आएगा वो इस फॉर्मेट में आएगा विथ पूरा पैकेजिंग, एंड ऊपर उसका आउटर बॉक्स के साथ आएगा. तो इसमें अलग से आपके बॉटल पे कैप लगा होगा एंड आपको एक हम ड्रॉपर प्रोवाइड करेंगे. सो बेसिकली जब आपको टिंचर यूज करना है तो आप इसको ड्रॉपर को इस वाले पार्ट से होल्ड करते हैं, यहाँ से टॉप वाले पार्ट से यू प्रेस इट, तो आपके जो ग्लास पाइप है उसके अंदर ड्रॉप्स आ जाएंगे एंड ऐसे जब उसको वापस से प्रेस करेंगे वो तो निकलने शुरू हो जाएंगे. तो जब मैं बोलती हूँ आपको टिंचर कंज्यूम करना है सबलिंगुअली, सो बेसिकली अंडर द टंग लेना होता है. इसका एक ड्रॉप आप कभी भी ले सकते हैं, इसका सीबीडी रिच है, ये विजय अमृत है जो मेरे हाथ में है, तो ये वैसे भी इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए काफी अच्छा है. तो अगर इसको रोज का आप एक ड्रॉप वैसे भी लेंगे तो वो इम्यूनिटी के साथ आपकी हेल्प करता है. तो ये मैंने यहाँ पे इस स्लाइड पे बहुत क्लियरली मेंशन करा है कि कितना लेना, कैसे लेना होता है, कितना डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर, कितना से स्टार्ट करते कितने तक जाना होता है टाइट्रेट कर कर. सो अगर आप डो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपका डोजेज है 4 ड्रॉप स्टार्ट करने के हिसाब से, तो अंडर द टंग आप 4 ड्रॉप लेंगे ड्रॉपर के थ्रू एंड उसको होल्ड करेंगे 30 से 60 सेकेंड्स के लिए, तो उतने में वो स्वॉलो हो जाएगा. सबलिंगुअल जब आप अंडर द टंग लेते हैं तो इट्स द फास्टेस्ट रूट अब्सॉर्प्शन के लिए. कुछ बचता है तो ऊपर से आप पानी कंज्यूम कर सकते हैं और फिर वो गिर सकते हैं. जब हम एक्सट्रैक्ट की बात करते हैं, जैसे कि मैंने मेंशन करा कि वो सिरिंज के फॉर्म में आता है, तो सिरिंज को यूज कैसे करना है, उसे खोलना कैसे है, हम स्पैचुला यूजली साथ में देते हैं. अगर जैसे बोलते हैं कि आपको 2 ड्रॉप लेना है तो स्पैचुला का जो बोल साइज होगा ना, उस बोल साइज पे जब आप एक ड्रॉप निकालेंगे दैट इज इक्विवेलेंट टू 2 ड्रॉप्स, तो उससे आप सीधा ले सकते हैं. तो उसका हम लोगों ने उसके हिसाब से फॉर्मुलेशन बनाए हैं कि किसी को प्रॉब्लम ना हो समझने के लिए कि अगर 2 ड्रॉप हो तो कैसे लेना है उसको. तो उसके लिए भी जो इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं आप साथ में प्रोवाइड करते हैं, लाइक ड्रॉपर हो गया, स्पैचुला हो गया. एग्जैक्टली एक्सट्रैक्ट कैसे यूज करना है उसकी मैंने यहाँ पे लिंक डाली है, तो वो यूट्यूब पे एक बार आप लोग देख भी सकते हैं. नेक्स्ट वी हैव पेन एड. पेन एड टिंचर या कोर 3000 mg, ये 2 वेरियंट्स है हमारे पास 1:1 के अंदर. दोनों सेम फॉर्मुलेशन है, द ओनली डिफरेंस यहाँ पे कैरियर ऑयल अलग है. अब 1:1 बहुत केसेस में होता है कि हम लोग 1:1 से शुरू करते हैं, स्लोली हम उसको THC रिच पे लेके जाते हैं. तो यहाँ पे हम लोग पेन एड हम 1:1 यूज कर सकते हैं मोटर सिम्टम्स के लिए, पेन मैनेजमेंट के लिए, स्लीप इंड्यूस करने के लिए. पेन एड कैप्सूल एक पेन एड टिंचर का ही वेरिएंट है, जहाँ पेन एड टिंचर एक टिंचर फॉर्मेट में है कि चलो वो ऑयल बेस्ड सोल्यूशन हो गया, उसको हम 2 ड्रॉप से टाइट्रेट कर सकते हैं. वहां पे जो हमारा पेन एड कैप्सूल है वो हमारा 150 mg का फिक्स कैप्सूल है. ये मोर ओवर हम लोगों ने देखा गया है कि कुछ फीमेल्स होती हैं जो THC पे थोड़ी सेंसिटिव होती हैं, इसलिए उनको हम डायरेक्टली THC से शुरू नहीं कर सकते, THC रिच फॉर्मुलेशन से. इसलिए उस केस के हम अंदर हम लोग 1:1 से शुरू करते हैं. जब हम पेन एड कैप्सूल की बात करते हैं तो ये एक फिक्स 150 mg का कैप्सूल होता है, पर कैप्सूल 150 mg. तो ये हम लोग एकदम एक्सटेंसिव पेन में देते हैं, जहाँ माइल्ड टू मॉडरेट पेन है वहां पे हम पेन एड टिंचर दे सकते हैं, जहाँ क्रॉनिक पेन है या फिर उस सिवियर पेन है तो वहां पे हम पेन एड कैप्सूल देते हैं या THC, हम लोग THC विजय अम्ब्रोसिया देते हैं, विच इज दिस वन, जस्ट अ सेकेंड, ये वाला THC रिच विजय अम्ब्रोसिया. नेक्स्ट हमारे पास कुछ क्लासिकल फॉर्मुलेशंस भी हैं. मैंने यहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स नहीं दिखाए हैं, तो किसी को बाकी प्रोडक्ट्स भी देखने हो लाइक स्किन केयर के लिए या स्किन हीलिंग डिजीज के लिए हिसाब से या हेयर केयर के लिए, तो आप यहाँ पर मैंने यहाँ पे वेबसाइट का लिंक डाला है, वहां पर जाके एक बार देख सकते हैं. नाउ जब मैं बात करती हूँ क्लासिकल फॉर्मुलेशन का, सो क्लासिकल फॉर्मुलेशन में क्या डिफरेंस है, दैट ये जो होता है ये बनता है कैनबिस पाउडर से. जो हमारे बाकी मैंने आपको टिंचर्स दिखाए वो बनता है कैनबिस एक्सट्रैक्ट से. जब हम पाउडर से बात करते हैं दवाई बनाने का, तो हमारे पास 2 फॉर्मुलेशन है, त्रिलोक्या विजयावर्ती एडवांस एंड बिल्वा चूर्ण एडवांस. अब यहाँ पे हम लोगों ने एडवांस क्यों लिखा है, बिकॉज एडवांस आपको पूरे मार्केट में ये 500 mg पर टैबलेट का फॉर्मुलेशन किसी और के पास नहीं मिलेगा. ये सिर्फ कैनाजो इंडिया ने अभी इंडिया में लॉन्च करा है कि आपको पर टैबलेट यू हैव 500 mg. एंड यही जब मैं बिल्वा चूर्णा की भी बात करती हूँ तो आपको बहुत बार ना बिल्वा चूर्णा सैशेस के फॉर्म में मिलेगा. जो आपको पाउडर मिलता है वो आपको रॉ पाउडर देते हैं, हमारे पास ये भी टैबलेट फॉर्म में है. जब हम बिल्वा चूर्णा की बात करते हैं तो जो भी आपको गट का प्रॉब्लम हो गया, आपको डायरिया है, डाइजेशन में प्रॉब्लम हो रहा है, गैस है, अब्डोमिनल पेन है, तो वहां पे हम यूजुअली बिल्वा चूर्णा देते हैं कपल्ड विद त्रिलोक्या विजयावर्ती. त्रिलोक्या विजयावर्ती यूजुअली न्यूरोपैथिक पेन के लिए रहता है, तो काफी न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस में सदियों से त्रिलोक्या विजयावर्ती यूज किया जा रहा है.
हम लोग क्लासिकल फॉर्मुलेशन के लिए, जस्ट मैं एक चीज बताना भूल गई थी, हम शोधना करते हैं, जो ट्रेडिशनल ऑथेंटिक आयुर्वेदिक तरीका होता है शोधना करने के बारे दोनों फॉर्मुलेशन रखती है। मैंने आपको न्यूट्रिशन का बेनिफिट बताया था इसके अंदर, सो व्हेन आई टॉक अबाउट न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन में कैनाजो इंडिया ने इंडिया फर्स्ट हेम्सीड ऑयल सॉफ्ट जेल्स लॉन्च करे हैं। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर न्यूट्रिशनल वैल्यू मेंशन करी है। जैसे मैं आपको बता रही थी, इसमें कैल्शियम का लेवल काफी अच्छा है, ओमेगा काउंट्स बहुत अच्छे हैं, विटामिन ए का लेवल अच्छा है, कार्बोहाइड्रेट्स बिलो लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन था, यहाँ पे अब कार्बोहाइड्रेट्स है ही नहीं। एंड इवन जब हम लोग कैलोरीज की बात करते हैं तो इसमें काफी कम है, प्रोटीन लेवल काफी हाई है। ये एक ग्राफ शोकेस करता है दैट बाकी हम लोग कोई भी सप्लीमेंट ले, फिश ऑयल ले ले, चिया सीड्स ले ले, फ्लैक्स सीड ले ले, उसके कंपैरिजन में इन स्पेसिफिक हेम सीड्स जो होते हैं उसके अंदर जो फैटी एसिड्स होते हैं उसके अंदर जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है वो काफी हाई होती है। तो ये हमारे पास एक वेरिएंट है न्यूट्रिशन के अंदर। हमारे पास हेम हार्ट्स भी, जिनको हम लोग हेम सीड्स बोलते हैं, किसी को सीड्स रोस्ट करके लेने हैं तो, वरना हमारे पास हेम सीड ऑयल भी है। ये सेम हेम सीड ऑयल है लेकिन सॉफ्ट जेल के फॉर्म में, ताकि इजीली लोग कंज्यूम कर सके। जो लोग ऑयल के साथ ज्यादा कंफर्टेबल है वो सीधा ऑयल भी ले सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट कैनाजो इंडिया के प्रोडक्ट जो हमारे पास अवेलेबल है। एंड जितना भी साइंस है बिहाइंड, मोटर न्यूरोन डिजीज हो गया या कोई और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गया लाइक हमारा पार्किंसंस। थैंक यू। थैंक वुड यू यू लाइक टू ऐड एनीथिंग? आजू, दैट वाज अ रियली गुड प्रेजेंटेशन। बहुत थैंक यू सो। बढ़िया प्रेजेंटेशन दिया आजू मैम। आई वुड आज सुकृत गोयल टू कंटिन्यू। श्योर सर। अभी रिकॉर्डिंग पे है मतलब? सर म्यूट पे है। या वन सेकंड, डू वी हैव एनी टेस्टिमोनियल्स राइट नाउ एनीबडी? सर टेस्टिमोनियल्स ना हम लोग एज अ कंपनी वो दिखाते नहीं, कि कई लोग हैं जिनको अच्छा नहीं लगता सामने आकर बोलना। इसके लिए मेरे है वेबसाइट पे हैं बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स एज नोन, वो मैं आपको दिखा दूंगा। उसके लिए बस मैं स्क्रीन शेयर करना चाह रहा था। अगर आप स्क्रीन शेयर में कर लूंगा, अगर अभी आपको वीडियो वेट जस्ट अ में सेकंड, मैं अपना स्क्रीन बना रही थी। बिफोर आई स्टॉप द रिकॉर्डिंग, कैन यू शो द टेस्टिमोनियल आई विल वेबसाइट डू दैट। एंड वील आर स्टॉप। यू कैन यू डू दैट ऑन ऑनलाइन? यू वांट मी टू वेबसाइट खोलू? नहीं, ऑन द गूगल पेज वहां पे है ना मोर देन 40-50 यस टेस्टिमोनियल्स, आप यस ये यस दिखा आई दीजिए। थिंक आई हैव इट एंड यू कैन समवेयर। शो द वीडियो आल्सो, जो लोगों की बोलते हुए वीडियो है ना, जैसे आपने एक वो बीजेपी की उन्हीं की है ना शायद से, या कि नहीं तो गवर्नमेंट वाले की है, उनका ही आप दिखा सकते हैं। हाँ जी, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं अभी आपको दिखा देती हूँ खोल के। हाँ आप वो दिखा दीजिए, तब तक मैं उनको वो दिखा देता हूँ जो टाइम्स ऑफ इंडिया की आपने बात की थी ना, मैं तब तक वो दिखा देता हूँ एक बार। ये था टाइम्स ऑफ इंडिया जिसके बारे में आरजू बात कर रही थी, जिसका पूरा आर्टिकल आया था आपके संडे के न्यूज़पेपर में आया था। तो ये था पूरा का पूरा आर्टिकल जो न्यूरो का आया था। एंड यहाँ पे हमारा पूरा पूरा आर्टिकल हमारे था, सुकृत गोयल मेरा ही नाम है। एंड पूरा का पूरा हमारा ही सारा जो कवर किया गया था। बाकी अगर आपको एक बार अपनी वेबसाइट पे मैं दिखा देता हूँ, जैसे अगर किसी को कोई डाउट कन्फ्यूजन आ रहा है आज, तब तक आप वो खोल लीजिए। यस उसकी भी टेस्टिमोनियल्स मैं तब तक दिखा देता हूँ सबको। हाँ, वेबसाइट वाले दिखा दो तब तक। दिख रहा है मेरा स्क्रीन? आज माय स्क्रीन इज विजिबल? एक सेकेंड, हाँ मैं जस्ट देख के बताती हूँ। हाँ दिख रहा है। हाँ, तो ये हमारी वैसे वेबसाइट है पूरी। अगर किसी, ये हमारा है जहाँ पे हमारा कवरेज हुआ था पूरा, ये सारे ही लोगों ने कवर किया है हमको। यहाँ पे अभी फाइंड मोर रिव्यू का मैं आपको दिखा देता हूँ टेस्टिमोनियल्स। बाकी ये है, अगर आपको कोई भी डॉक्टर भी है हमारे पास काफी बोर्ड पे, तो अगर हमको डॉक्टर्स को भी कभी भी आप लोगों को कंसल्टेशन बुक करना है, यहाँ से आप हमारे कोई भी डॉक्टर्स पे जाकर अकॉर्डिंग टू द थिंग जो भी आपको है इशू, उसके हिसाब से बुक कंसल्टेशन दबा के आप बुक कर सकते हैं, जिसमें आपको हर टाइप के डॉक्टर्स है, जो भी टाइप का डॉक्टर चाहिए। जैसे न्यूरो है आप लोग में, न्यूरो हम लोग उसको दबाते हैं, उसमें डॉक्टर आए कंटिन्यू, और आप अपने टाइम स्लॉट के हिसाब से जो भी आप लोगों को टाइम स्लॉट चाहिए यूज करके आप आराम से अपने हिसाब से बुक कर सकते हैं। हमारे टीम से कॉल आएगा और आपका बुक हो जाता है। उसके बाद फिर जैसे अगर हम बात करें इसकी,
मीडिया फीचर की, वो कि जहाँ पे हमारे काम के लिए जहाँ पे लोगों ने हमको बताया, जो रिव्यूज भी जैसा बता रहे थे, तो हमारा टाइम्स ऑफ इंडिया में, ईरा न्यूज़पेपर भी यहाँ पे आया है, नव भारत टाइम्स में भी अगर देखेंगे आया है, यहाँ पर भी हमारा आया था जहाँ पे हमने पूरा कैनबिस के बारे में बताया था, ये सारा है। और आरजू कैन यू, अब आपका आप दिखा रहे हैं? गूगल रिविजन वीडियो ना, जस्ट मैं आपको दिखा देती हूँ हाँ, मैं आपको स्क्रीन देता हूँ। यस, मेरा स्क्रीन दिख रहा है। हाँ सो दीज आर द रिव्यूज जो गूगल पे डाले गए हैं। सो इवन आप बोले पेन मैनेजमेंट हो गया, कि इवन अगर बायपोलर डिसऑर्डर की बात करें तो बायपोलर प्रॉब्लम हो गया है, बिल्कुल ट्यूबरकुलोसिस हो गया, वहां पे भी सीबीडी का काफी अच्छा बेनिफिट देखा गया है। तो वहां पे यूजुअली हम लोग ब्रेन ईजर हमारा एक फॉर्मुलेशन है, या हमारा विजय अमृत जो सीबीडी रेस है, यूजुअली हम बायपोलर के जो पेशेंट्स हैं उनको वो देते हैं। पेन एक हमारा पेन मैनेजमेंट का हो गया, या जो हमारे फीमेल पेशेंट्स होते हैं मोर ओवर, उनको हम लोग वहां से शुरू करते हैं। ये हमारा बायपोलर का जो था, जिनको डिप्रेशन था एंड बायपोलर था, तो मूड स्विंग्स में काफी हेल्प करता है, पैनिक अटैक्स में हेल्प करता है। तो ये कुछ ऐसे हमारे रिव्यूज हैं जो सुकृत मेंशन कर रहे थे अबाउट द बीजीपी के। मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ एक बार। दिस इज आवाज नहीं आएगी शायद। ऑप्शन टू इंक्रीज द वॉल्यूम, एक्चुअली ना मेरे साइड से सो वॉल्यूम फुल आ रहा है। सुकृत एक बार आप ट्राई कर सकते हैं क्या? मेरे में भी फुल ही है। आप एक काम कर सकते हो आजू, आप आई लिंक कैन शेयर दो, इट। तो लिंक से सब लोग देख सकते हैं, क्योंकि उसमें काफी लोगों के रिव्यूज है ना, तो सब लोग देख सकते हैं, कि काफी लोगों के रिव्यूज हमने ऑलरेडी यूट्यूब पे डाले हुए हैं, तो सब लोग आराम से चेक कर सकते हैं काफी लोगों के रिव्यूज उसमें। और अपना इंस्टाग्राम हैंडल भी भेज सकते हैं, कि वहां पर भी काफी लोगों के वीडियो रिव्यूज है ना, तो वहां पर भी लोग चेक कर पाएंगे फिर आराम से। ये रिव्यू का लिंक चैट में डाल दिया है, यूट्यूब लिंक जो इन मैम का है, मैंने वो चैट में डाल दिया है। ये रहा, आज जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे सकते हैं हम आप पूरा, क्योंकि हाँ जस्ट अ सेकेंड। मैम ने मांगा है डायरेक्ट मैसेज में। मैं चैट में ही पोस्ट कर देती हूँ। हाँ, आप चैट में कर दीजिए, उसके बाद फिर हाउ टू ऑर्डर उसका पूरा प्रोसेस चाहिए होगा, वो एक बार सर जब बोलेंगे रिकॉर्डिंग बंद करके, उनको जैसे भी चाहिए उसके हिसाब से फिर हम। ओके बिफोर आई एंड द रिकॉर्डिंग, थैंक यू आरजू एंड थैंक यू सुप्रीत फॉर ऑल द हेल्प एंड फॉर द प्रेजेंटेशन। कैन आई पोस्ट दिस ऑन माय यूट्यूब चैनल? यस यस श्योर। या थैंक यू एवरीवन, और रिमेम्बर बी रिस्पॉन्सिबल। हमें इसकी आदत नहीं बनानी है, हमें इसको मेडिकल यूज के लिए यूज करना है। तो आप सभी अपना ख्याल रखें और इसको मेडिकल मेडिसिनल यूज के लिए यूज कीजिए। थैंक यू ऑल।